बॉक्स ऑफिस ताबड़तोड़ कमा रहे हैं अजय देवगन, अक्षय कुमार रह गए पीछे। रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी की रिलीज के बाद भी अजय देवगन की फिल्म रेड ने बॉक्स ऑफिस पर दौड़ जारी रखी है। फिल्म ने 85 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। रेड 2018 की सबसे ज्यादा कमाने वाली टॉप 3 फिल्मों में शामिल हो गई, जहां पहले नंबर पर है संजय लीला भंसाली की पद्मावत, वहीं दूसरे नंबर पर जगह बनाई है लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी ने। खास बात यह है कि अजय देवगन ने अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है। पैडमैन का लाइफ टाइम कलेक्शन 79 करोड़ है, जबकि रेड 85 करोड़ पार कर चुकी है और कमाई अभी भी जारी है। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म रेड को अपनी दमदार कहानी, स्टार कास्ट और डायलॉग्स की वजह से बेहद पसंद किया जा रहा है। फिल्म की कमाई को देखते हुए ट्रेड पंडितों के अनुसार दूसरे हफ्ते तक रेड 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले सकती है। यहां जानें 2018 की अब तक सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में।